हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आप सभी का अपने फैमिली में वापस से स्वागत है। अपने फैमिली में क्यों? क्योंकि आप हो मेरे सेकेंड ईयर के बंदे लोग, जो अपने प्रीवियस ईयर से हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आज सेम 4 का सेम 3 का कई सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये टॉपिक रहता है, दैट इज़ एजन वैल्यूज़ एंड एजन वेक्टर। आज है सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में पूरी कॉन्सेप्ट मैंने बताई, क्या होता है एजन वैल्यूज़, क्या होते हैं एजन वेक्टर्स, क्यों करते हैं ये कहानी। आज उसके कैलकुलेशन को देखेंगे, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ एजन वैल्यूज। बिल्कुल आज सिर्फ एजन वैल्यूज का कैलकुलेशन सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, जो गेट के लिए भी आपको बेहद काम को आने वाला है। लेकिन उसके पहले मोहब्बत वाली लाइक तो चाहिए ही चाहिए, प्यार भरी शेयर चाहिए। अभी तक अगर कॉलेज ग्रुप में अपने 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर के ग्रुप में अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो क्या किया, फटाफट जाके शेयर करिए। और मोहब्बत वाली पकड़ पकड़ के वाली सबसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पे होने वाले हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के सारे चैप्टर्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके जी, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, 4 से 5 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, 5th ग्रुप में आप एंटर हो सकते हो, थोड़ी जगह बची है, बिल्कुल थोड़ी। आप जल्दी से आ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके ज़रूर क्लिक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल सबके लिए खुला है, फटाफट जाके जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको मिल रहे होंगे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक, MCQ, ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होता है एजन वैल्यूज, कैसे करते हैं उसके कैलकुलेशन। लेकिन सम के साथ ही शुरुआत करता हूँ, है ना, मतलब जब तक मैथ्स में सम नहीं बताएंगे तब तक भूलेंगे नहीं हम गम, सॉल्व नहीं करेंगे सम तो कैसे भूलेंगे गम, क्या बात है। चलो चलो चलो, फाइंड द एजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या है अपना मैट्रिक्स, देखो जी 2 - 1 1, ओके 1 2 - 1, नेक्स्ट 1 - 1 2, कड़क वाली हरकत, ये है अपना मैट्रिक्स और इसका अपने को फाइंड आउट करना है एजन वैल्यूज। एजन वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे लगेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देखिए कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैं बताना चाहता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट एन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए ए माइनस लैम्बडा आई का सीधा मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाइगोनल एलिमेंट से लैम्बडा को माइनस करिए। क्या बोला मैंने, डाइगोनल एलिमेंट में से लैम्बडा को माइनस कीजिए। तो यहाँ पे रहेगा 2 - लैम्बडा, यहाँ पे -1, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 1, 2 - लैम्बडा, यहाँ पे वापस -1, 1 - 1, 2 - लैम्बडा। क्या बात है यार, क्या बात है, विच इज इक्वल टू 0। अब बनाना है इसका इक्वेशन, अब आएगा मज़ा, बड़े ध्यान से सुनना। देखो 2 - लैम्बडा, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करने का, तो 2 - लैम्बडा का स्क्वायर माइनस, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और बीच में तो माइनस रहता ही रहता है, ये -1 लेने का, माइनस माइनस वापस बीच वाला माइनस होता है तो वो जाएगा +1। देखो जी यहाँ पे क्या बनेगा, 2 - लैम्बडा, तो यहाँ पे मैं 2 - लैम्बडा लिख देता हूँ, -(-1), तो ये बन जाएगा -1। क्या बात है यार, मतलब ये तो बड़ी मज़ेदार कहानी है सर, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट मज़ेदार। +1 करा दिया, नेक्स्ट 1 यहाँ पे ये हट गया, ये हो गया -1, -2 - लैम्बडा। ओके, हाँ, इसको हटाना पड़ेगा सिंगम जी, 2 - लैम्बडा, क्या बात है, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये है पूरी कहानी। अब देखिए, क्या आपके पास इतना समय है, मेरे पास तो नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा, मेरे पास उतना समय नहीं है, आपके पास भी शायद नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये समय अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, उसके बाद कैलसी यूज़ करने का, सीन सॉर्ट कर देने का। देखिए क्या है शॉर्टकट मेथड, बड़े ध्यान से और प्यार से सुन के लेना। ओके, यहाँ पे #शॉर्टकट,
ओके सारे यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये यूज करते हैं, तो आप बिंदास ये शॉर्टकट यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूज कर सकते हो, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। बाबा जी का नाम लिख दो, कोई नहीं काटेगा, ठीक है जी। बड़े ध्यान से सुन के लो, लैम्बडा क्यूब माइनस एस वन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस टू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। सर ये तो सब कुछ समझ गया, सर एस वन एस टू क्या है मैं बताऊंगा ना यार, आधा आज तक कभी छोड़ा है नहीं तो ये भी बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, वेयर वेयर एस वन इज इक्वल टू, एस वन इज इक्वल टू सम ऑफ डाइगोनल एलिमेंट, ये लिख लो, हाँ ये लिख लो अच्छे से, सम ऑफ डाइगोनल एलिमेंट एस टू इज इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ डाइगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डाइगोनल एलिमेंट। ये है एक्चुअल कहानी जहां पे आपको चलानी है दिमाग, जहां पे आपको चलानी है दिमाग। देखो दिमाग मतलब बहुत छोटा वाला दिमाग चलाना है, ज्यादा दिमाग वाली चीज ये है नहीं, टेंशन मत लो। एस वन बोलेगा तो सम ऑफ द डाइगोनल एलिमेंट, चेक करो मेरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखने का, ये आड़ा टेढ़ा जो भी लिखा है इसमें नहीं देखने का, क्वेश्चन में देखो डाइगोनल एलिमेंट क्या है, ये सारे है तो इसका सम करो, सम करो बोलेगा तो एडिशन करो, तो कितना होगा 2 + 2 + 2 मतलब सीधी बात नो बकवास 6। ओके चलिए एस टू फाइंड आउट करते हैं, एस टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। माइनर्स कहां पे निकालते थे सर, हाँ कोफैक्टर और एडजॉइंट में निकालते थे, वही माइनर्स इधर निकालने हैं, बस डायगोनल एलिमेंट के माइनर चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, डायगोनल एलिमेंट के माइनर बोलेगा तो देखिए जी ये 2 है, ये पहला वाला डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका रो इसका कॉलम हटाइए, बचेगा क्या, 2 × 2 = 4, यही तो चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या 2 × 2 = 4 माइनस −1 × −1 + 1, तो ये बिल्कुल यहाँ पे बच चुका है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट देखिए ये 2 है, तो इसका कॉलम इसका रो छोड़िए 2 × 2 = 4 और ये 1 × 1 बिल्कुल 1, तो 4 यहाँ पे −1 प्लस नेक्स्ट वन ये 2 है, हटाइए इसका रो, तो 2 × 2 = 4 −−+1, तो 4 + 1 इधर हो गई, तो देखिए एस टू कितना आ गई, देखो 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 जंबूरे खेल देखो, 5 + 5 3 3 3 मेरी गलती एक्सेप्टेड, ओके 3 + 3 + 5 आंसर इज 11, तो मेरा एस टू की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से मतलब बताने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक दफ़ा 2, और फिर यहाँ पे बिल्कुल डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करनी है कितना बचती है, 4 − 1 बचेगी शायद माइनस नेक्स्ट वन, देखिए जी तो ये 2 = 4 और ये बिल्कुल सही किया सर आपने, इधर ये ले लीजिए 1, देखिए कितना बचेगा 2 × 2, ये देखो ना इधर करेंगे ना, तो ये 2 और ये 1 मतलब 2 हो जाएगा और ये +1, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो इधर +1 और 3 लिख दीजिए, ठीक है ना 3 आ रहा है ना, 2 बिल्कुल, तो 3 लिख दूंगा डायरेक्टली मैं, और लास्ट वन कितना आ रहा है चेक करेंगे, +1 है तो ये −1 और −2, तो ये बिल्कुल −3 बनेगा, तो ये 1 और यहाँ पे −3, ओए होए होए ये तो कट गई जी, तो आंसर 6 आनी चाहिए, बिल्कुल सही पकड़े हो सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिल्कुल कितना आ रही है 6 आ रही है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलसी से निकालने बोलते हैं, बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अपने को जो आगे जाके एग्जाम्स देने SEM 5, SEM 6, SEM 7, SEM 8 वहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट बड़े बड़े होते हैं, 4 by 4, 5 by 5 के डिटर्मिनेंट होते हैं, जहाँ पे कैलसी काम का नहीं आता वहाँ पे आपका दिमाग काम का आता है, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल खुद से मैन्युअली करिए, दिमाग उतना शार्प हो जाएगा, ठीक है जी। कैलसी हो जाओगे ना तो आलसी हो जाओगे, कैलसी यूज़ करोगे तो आलसी हो जाओगे, क्या बात है, यूज़ करोगे कैलसी तो बन जाओगे आलसी क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, वाह जी वाह, बिल्कुल मजाक मजाक में जोड़ दिया मैंने तो, आहा। देयरफोर यहाँ पे देखिए मेरा लैम्बडा क्यूब माइनस एस वन कितना आया था चेक करिए, एस वन कितना आया था 6 आया था, तो 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस टू कितना आया है 11, तो 11 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल,
ठीक है जी, और इससे निकलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जिसको हम बोलते हैं एज एन वैल्यूज। चलिए ये कैलसी में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं घने बादलों में लिखता हूँ यूज कैलसी, बन जाओ आलसी, ठीक है। यूज कैलसी, क्या करना है कैलसी में, फिफ्थ मतलब मोड में जाने का है। पहले आपको MODE मोड में जाने का, मोड में फिफ्थ नंबर का बटन दबाने का, EQN में जाने का, और आपको इक्वेशन यूज़ करना है लाइक दिस, ax³ + bx² + cx + d = 0 वाला। उस इक्वेशन में बिल्कुल ये कोफिशेंट्स डालिए, क्या क्या कोफिशेंट है, 1 - 6 11 - 6, ये कोफिशेंट डालिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से जो भी आंसर आपको मिलेंगे, तीन रूट्स मिलेंगे, आदत डालिए ये तीनों रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब पहला लोएस्ट नंबर, फिर हाईएस्ट, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते, ठीक है, बड़े हुए बिल्कुल क्रम के साथ। तो 1 2 3, तो ये मेरे ख्याल से आपको वैल्यूज आ चुके हैं, और इसी को बोलते हैं दीज आर आइजन वैल्यूज। तो ये है बिल्कुल शॉर्टकट कैलकुलेशन, इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन, जहाँ पे आपको बेहद प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आइजन वेक्टर भी उन्होंने पूछा है तो भी आपको ये सॉल्व करना है, इसके लिए कह रहा हूँ ये बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है जी। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मोहब्बत वाले लाइक की बेहद ज़्यादा ज़रूरत, प्यार भरे शेयर की भी ज़रूरत है, और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब तो ज़रूरत बनती है। ओके जी, तो फटाफट से बिल्कुल हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आइजन वेक्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।